यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में एक ही दिन में अलग अलग स्थानों पर पति पत्नी और बेटे के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले में पुलिस को आशंका है कि पति ने पहले अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की, बाद में खुद भी पेड़ से लटककर जान दे दी। मामला लखीमपुर खीरी के पलिया थाने के मजगई चौकी क्षेत्र का है। सोमवार की दोपहर मलंगा गांव के रहने वाले तौले नामक शख्स का शव पेड़ से लटकता मिला। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। देर रात पुलिस को बंद कमरे में तौले की दूसरी पत्नी सरस्वती देवी और बेटे सौरभ का भी शव मिला। घर के बाहर से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लखीमपुर के एसपी संजीव सुमन ने बताया कि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि तौले ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। हालांकि पुलिस अन्य कई पहलुओं पर भी जांच कर रही है। पुलिस ने रात करीब 10 बजे शव को बरामद किया। उधर जब तौले का शव पेड़ से लटकता मिला था तो पुलिस सरस्वती को मौके से फरार बता रही थी, लेकिन सरस्वती और बेटे की लाश मिलने के बाद पुलिस ने घटना के अन्य पहलुओं की भी जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि तौले की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी द्रौपदी ने पुलिस को तहरीर में सरस्वती से झगड़े की बात कही है। इसी आधार पर पुलिस सरस्वती को फरार बता रही थी। कल थाना पलिया क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है। बाद में ज्ञात हुआ कि इस व्यक्ति की दूसरी पत्नी एवं 10 वर्षीय पुत्र अपने घर में मृत अवस्था में मिले हैं और बाहर से घर में ताला लगा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय एवं मेरे द्वारा फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आसपास के ग्रामवासियों से एवं परिवारजनों से वार्ता की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस व्यक्ति ने घरेलू कलह के कारण अपनी पत्नी एवं अपने पुत्र की हत्या करने के बाद खेत में जाकर पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली है। तीनों शवों को नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।